नमस्कार, मैं राखी गुज्जर और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, कुछ दिन बाद साल भी विदा हो जाएगा, लेकिन अभी तक लोगों को उस तरह की सर्दी का एहसास नहीं हुआ है जो इस महीने में आम हुआ करती थी। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने भी चिंता जाहिर की है। बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति के कारण दिसंबर में अब तक हिमालय के ऊपरी और निचले इलाकों में ना के बराबर हिमपात हुआ है। इसका असर ये रहा है कि आधा दिसंबर बीत जाने के बाद भी मैदानी इलाकों में ठंड का असर कम देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक कम से कम एक से दो मध्यम हिमपात हो जाने चाहिए थे, लेकिन हिमालय की कई चोटियों पर अब तक बर्फ नहीं पड़ी है। वैज्ञानिकों के अनुसार आमतौर पर उत्तर पश्चिम भारत में नवंबर में 2 से 3 मध्यम से मजबूत पश्चिमी विक्षोभ और दिसंबर में 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ देखे जाते हैं। हालांकि इस साल 10 नवम्बर के बाद से कुछ भी नहीं देखा गया है, जिस कारण दिसंबर के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला है। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अब तक 97% बारिश या बर्फबारी की कमी है, वहीं जम्मू कश्मीर में 80% की कमी है। उत्तराखंड में भी बारिश या बर्फबारी नहीं हुई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार हिमालय के ऊपरी इलाकों में भी कई इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है, इस कारण नवंबर के बाद से इस क्षेत्र में कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावी नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोई पूर्वानुमान न होने के कारण हमें बर्फबारी के लिए क्रिसमस या नए साल का इंतजार करना पड़ सकता है।